नमस्कार स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है सिक्स uh, 6 है हमारा ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 10 -2 टेस्ला

इंड्यूस ई एम एफ कितना होता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी यहां पे पूछ रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन तो देयरफॉर मैक्सिमम इंड्यूस ई एम एफ जो होगा एन बी ए ओमेगा एन बी ए ओमेगा अब सबकी वैल्यू दे रखा है एन की वैल्यू है ट्वेंटी टर्न बी की वैल्यू है थ्री इंटू टेंट पर माइनस टू ये निकालने के लिए सर्कुलर क्वाइल है तो पाई आर स्क्वायर और रेडियस दे रखा है एट सेंटीमीटर ओमेगा की वैल्यू है 50 रेडियन पर तो यहां से हम निकाल सकते हैं इक्वल टू तो एन बी पाईआर स्क्वायर ओमेगा अब एन की सबकी वैल्यू पुट करें तो ट्वेंटी इंटू थ्री इंटू टेंट पर माइनस टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर पाई की वैल्यू एट इंटू टें माइनस टू स्क्वायर इंटू फिफ्टी फिफ्टी को पहले इस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा वन थाउजेंड और ये थ्री इंटू वन फोर इंटू टिक्सटी फोर इसका सिक्सटी फोर और टेन टू पावर माइनस फोर और ये हमने यहाँ पे लिखा अब फाइनली वन टू थ्री यहाँ से माइनस कर दें तो यहां से माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री होगा तो फिर हम इसको थ्री पॉइंट वन फोर इंटू सिक्सटी फोर इंटू थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री फिर मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई कर लें तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना यानी जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू एट टू एट को हम थ्री कर देते हैं तो हमको मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो थ्री बोल ये तो ईएमएफ था मैक्सिमम अब आते हैं आ, ये मिल गया हमको अब सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा ओवर ए साइकिल इज जीरो यानी साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है एक कंप्लीट साइकिल में वो होती है जीरो तो ये चीज हम लोगों का है इक्वल टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू एवरेज में जीरो देयर फोर ई एवरेज हमको मिलेगा मैक्सिमम इंड्यूस करेंट कितनी होगी मैक्सिमम इंड्यूस करेंट को हम ई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी आई जीरो से तो आई जीरो इक्वल टू ई जीरो या ई मैक्सिमम अपॉन आर तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आई इक्वल टू ई जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे ई जीरो आर इ uh, जीरो की वैल्यू हम लोग फाइंड करें जीरो पॉइंट सिक्स जीरो थ्री अपॉन रे रेजिस्टेंसिफाई करें तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो थ्री एम पी एल ये मिलेगा अब इसमें पावर uh, डिसिपेशन पूछ रहा है तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला था वन अपॉइंट टू ई जीरो और आई जीरो तो वन अपॉइंट टू जीरो हो गया और आई जीरो को हम फिर से अगेन लिखेंगे ई जीरो अपॉन आर तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू ई जीरो का स्क्वायर अपॉन आर अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको पावर uh, डिसिपेशन मिल जाएगा यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं और ये आई जीरो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो थ्री का स्क्वायर अपॉन टेन सिंप्लीफाई करें तो जीरो पॉइंट जीरो वन एट वाट ये रिजल्ट होगा Thank you, student.